हम लोग पूरा बिहार का युवा तेजस्वी यादव जी के लिए कमर कस के तैयार है। मैदान भर दीजिएगा, पूरा पटना कल गांधी मैदान होगा। जनविश्वास महारैली का आयोजन किया गया है आरजेडी के नेता के द्वारा और तमाम विधायक जो हैं वो अपने स्तर से तैयारियों में जुट गए हैं। कितने लोग अब तक पहुंच गए विधायक जी? अब तक हमको लगता है कि करीब 4,500 लोगों का भोजन हो गया। हाँ, और अभी 25% लोग हमारे यहाँ से आप आए हैं, है ना। अभी प्रारंभ तेज हुआ है आने का रफ्तार, और हम समझते हैं कि 2 घंटे में मैक्सिमम लोग आ जाएंगे। हाँ, यानी कि कल गांधी मैदान भर दीजिएगा। पूरा पटना कल गांधी मैदान होगा। पूरा पटना? हाँ, पूरा पटना गांधी मैदान होगा। लालू यादव के रैली को रिकॉर्ड तोड़ना है? हाँ, क्या? हाँ, हाँ, एकदम एकदम एकदम। हम लोग पूरा बिहार का युवा तेजस्वी यादव जी के लिए कमर कस के तैयार है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ये परिवारवाद की पार्टी है। अब देख लीजिए, अब तो मतलब किसी को गर्व होता होगा कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं। हम लोग को तो अब शर्म से सर झुक जाता है कि देश का ऐसा प्रधानमंत्री जो एक बार भी सच नहीं बोलता हो। अब गिनती हम कराने लगेंगे कि उनके पार्टी में कितना परिवारवाद है, और जिनका भाई कोई परिवार ही नहीं है तो वो परिवार का दर्द क्या जानता है। लेकिन बात है कि कह रहे हैं कि एक ही परिवार का विकास हुआ है, बाकी का किसी का नहीं। अभी आप 17 साल बनाम 17 महीना की कहानी आप जान रहे हैं। आप ही कवरेज कर रहे थे जिस समय गांधी मैदान से शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दी जा रही थी। लाखों लाख परिवार खुशहाल हो रहा था, लाखों लाख परिवार को रोजगार मिल रहा था, सरकारी नौकरी मिल रही थी। पूछिए उन लोगों से। चलिए बिल्कुल, देखिए हमारे साथ आरजेडी विधायक थे और लगातार देखिए लोगों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। देखिए किस तरीके से तमाम लोग अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तमाम ये तस्वीर जो है वो जहाँ पर विधायकों के द्वारा व्यवस्था किया गया है वहाँ पर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बड़ी बात ये होगी, देखना दिलचस्प होगा कि कल क्या कुछ होता है। वनीश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।